उम्र जो है तो उसमें गिर जाए तो घर मिल जाएगा, या उसमें कोई बीमारी आ जाए तो पैर को सड़ा देगा। लेकिन यदि फिर उम्र की वो है पर्सनैलिटी की, उसको कोई पेशेंस वाला ले जाए बढ़िया खुश होना। हाँ वो तो है ही है, मैंने वो बात तो कही ही कि फूल पत्ते जो पेड़ को जीवन देने वाले हैं वो उसको जीवन भी दे सकते हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएं तो उसके जीवन को संकट में भी डाल सकते हैं, उनका इत्र भी बन सकता है, उनके रंग भी बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है। जीवन की यही तो पॉसिबिलिटी है, तो अच्छा करें, कोशिश करें, अपने संबंधों को भी ऐसा ही बनाएं कि जब और कुछ ना बन सके तो उनका इत्र ही बना लें। लेकिन इत्र बनाने में वो फूल ख़त्म हो जाता है, तो जिन संबंधों का इत्र निकलता है वो संबंध ख़त्म हो चुके होते हैं या ख़त्म हो जाएंगे इत्र बनने के प्रोसेस में। तो वो डिज़ायर ना करें इत्र की, अगर इत्र की डिज़ायर करेंगे तो संबंध प्रोसेस हो जाएंगे, उनको प्रोसेस होना पड़ेगा। उन संबंधों का अपना ही ढंग बेहतर है, जैसे फूल की खुशबू अलाइव जीवंत बेहतर है, इत्र नहीं है, जीवंत खुशबू है, अलाइव है, उसके पास जाएंगे आएगी, उसका अपना एक अलग ढंग है। इत्र शीशी में है, आपकी जेब में है, तो जो संबंध भी आपकी जेब में हो जाएं या जिन संबंधों को आप जेब में रखने की कोशिश करें तो समझें कि वो मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो नेवर डिज़ायर फॉर इत्र, संबंधों को फूल ही रहने दें। और जब कुछ न बचे तो जैसे भाग्य भूत की लंगोटी भली, तो उसी तरह से इत्र ही भला।